आपने कहा यहाँ ज्ञान मार्ग में बिल्कुल बूढ़ी माता, अनपढ़ या बिल्कुल छोटा सा बच्चा भी यहाँ सेंटर पे आने वाला होगा, उससे वो पूछे और एक तरफ साइंस वाले से पूछे तो साइंस वाला नहीं बता पाएगा वो कौन सी बात। हाथ खड़े कर माधवी बहन, माधवी बहन ओम शांति बोलो। भैया। जी हम बूढ़ी माता है या हम बच्चे बोलेंगे, हमें परमात्मा मिला है। अच्छा ठीक है, एक और बात, आत्मा हूं और हमें परमात्मा मिला है, आत्मा लेकिन ये जो परमात्मा मिला है ना, ये प्रश्न दूसरा था, ये प्रश्न वो था, कौन बताएगा ये प्रश्न कौन सा था? हूँ, नहीं, बुजुर्ग हमें माता। परमात्मा मिला है, ये प्रश्न कौन सा होगा, किसके साथ जब कंपैरिजन किया बाबा ने, तब ये बात। बुजुर्ग माता और अच्छा महात्मा, हाँ, महात्मा की महात्मा ही बात कही बाबा ने। सुनो, कहेंगे बाबा ने ये कहा कि कि हाँ एक तरफ संन्यासी साधु महात्मा और एक तरफ यहाँ की लोगों माता, माता कहेगी हमें तो परमात्मा मिला, और साधु महात्मा कहेगा उसको पाना तो बड़ा मुश्किल है। बहुत हाँ, मुश्किल है। और माता कहेगी आपको होगा मुश्किल, आप ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। और ऐसे साइंस वाले आत्मा के बारे में जानते ही नहीं, चंद्रमा तक पहुंच गए, लेकिन यहाँ का छोटा बच्चा भी कहेगा, उनसे पूछेंगे आप कौन हो, कहेगा मैं तो आत्मा हूं। अच्छा, अगला प्रश्न है, नए भाई बहनों के लिए बाबा ने कुछ कहा था, जो नए नए हैं बाबा के पास पहुंचे हुए थे, हाथ खड़े करो, कौन बताएगा? एक मिनट, सिर्फ हाथ खड़े करो। अलका बहन, अब लेट हो गए तो पुरुषार्थ हाँ, ज्यादा करना पड़ेगा, हर घंटा करना। अच्छा, और भी कुछ कहा था, ये भी ठीक है, चलो ठीक है, मंजू बहन, मंजू मीना, नहीं, बाबा के पास चल जाते हैं, साल भर की दाड़ ना कर लेते, फिर हाँ वापस हाँ आके फिर मयाल वेले हो जाते हैं। बिल्कुल सही, एकदम सही जवाब है। क्या होता है, कुछ एक में होता है शौक रहता है, मधुबन जाएंगे, बाबा से मिलन मनाएंगे, कईयों को तो मालूम भी नहीं होता कि जो धारणा होती है हमारी वो आजीवन होती है, कई सोचते हैं एक वर्ष के लिए है, जैसे दीदी कहते हैं ऐसे कर लेते हैं, और जैसे वहां से आए फिर से वैसे की वैसे, ढीले ढाले अलबेले, धारणाएं तोड़ के अपना वापस कमजोर। कमजोर हो लेकिन ध्यान रखो, खास नयों के लिए, पुराने भी ऐसा कर लेते हैं, सोचते हैं काफी दिन हो गए चलते चलते ज्ञान योग में, थक गए जी हम तो, कब तक ऐसा होगा, इसलिए बाबा की बन गए नियम मर्यादाएं, कर ली तो कर ली, जिस सीढ़ी पर चढ़ गए वापस नहीं आना, हम चढ़ते चढ़ते बहुत ऊंच चले जाएंगे, लेकिन कोई कोई ऐसी आत्मा है बेचारे कमजोर जो उल्टा सीढ़ी चढ़ जाते, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अभी अगला प्रश्न सुने, बाबा ने तीन पर काटने को कहे और एक पर यूज करने को कहा, कौन सुनाएगा? बिल्कुल आसान है, सिर्फ एक बार हाथ खड़ा करूं, देखते हैं नयों को चांस मिले। लक्ष्मी बहन, पर मत, पर चिंतन, पर दर्शन। करना बाबा दूसरे क्या है? को देख, दूसरों को देखने का देख के समय बिगाड़ लेते हैं। करना क्या है? तीन पर हटाने हैं, वो आपने बोल दिए, एक पर बिना देखे बोलना, बिना देखे, मेरे पास सामने देखते रहो, सामने नहीं, नहीं नहीं याद है, कोई बात। बाबा अच्छा चलो, और किसी को देखते हैं, पुरुषोत्तम भाई हाथ खड़ा कर रहे हैं, जी पुरुषोत्तम भाई बोलो। परोपकार पर उपकार करना है, आज थोड़ा सा डिटेल में आपने समझ भी लिया होगा, पर मत
देखो हमें श्रीमत मिल रही है बहुत अच्छी, क्या करना क्या नहीं करना बाबा अच्छे से समझा देते, तो कोई और क्या कह रहा है उसको छोड़ दो, बाबा क्या कहते हैं उसके साथ उस बात का कंपैरिजन करो और बस उसकी बात को फिर हटा दो कि देखो बाबा ने इतनी अच्छी बात इस विषय में बता रखी, फिर मैं इसकी बात क्यों सुनूं। पर दर्शन, दूसरों को नहीं देखना, अपने को देखना है। और पर चिंतन, बहुत टाइम व्यर्थ जाता है। तो बाबा ने कहा ये भी मत करो। इसको बाबा ने क्या कहा कि पुरुषार्थ ढीला होने का कारण ही ये जो तीन काम करते हैं, पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत। तो इन चीजों से बचना है। बाबा ने एक बात कही, बहुत काम की, बहुत काम की, कि लास्ट रिजल्ट में बस यही चेक होगा। कौन सी बात? लास्ट में जब धर्मराज चेक करेगा तो उसमें कौन सी बात की जांच होगी और कौन सी बात की नहीं होगी, अभी कहीं धोखे में है, सोचो। हाथ खड़े करो। ओम शांति भाई जी। कि हाँ बोलो। कई बाबा ने कहा है कि कई बच्चे समझते हैं कि हम किसी काम को कर सकते थे लेकिन हमारा नाम नहीं आया, लेकिन बाबा हाँ की नजरों में उनका नाम लिखा जाता है, वो किनका पहले नंबर होते हैं किनका लिखा जाता है? जिनका नाम उसके अंदर नहीं आया है। और कई बच्चे समझते हैं कि हमारा नाम आ गया हम सबसे पहले करेंगे, उनका नंबर उनसे पीछे चला जाता है। देखो बाबा ने एक बात कही कि कुछ बच्चे सेवा करते हैं नाम मान शान, अखबार में फोटो आ जाए, टीवी में आ जाए, इसके लिए करते हैं। ये बात वो आपने सुनाई, लेकिन ये स्वार्थ वाली सेवा है, ये नहीं करनी है। निस्वार्थ सेवा कौन सी है? कि किसी का कल्याण हो जाए, बस मेरा तो अपने आप ही नाम होगा। अगर किसी का कल्याण हो रहा है, वो अपने आप ही हमारा हमारी माला जपते हैं, कहेंगे अरे इसने हमारा भाग्य जगा दिया। लेकिन बाबा कुछ और भी कह रहे थे कि लास्ट रिजल्ट में चेकिंग तो बस ये होगी। आपने कुछ हद तक बोला है, लेकिन थोड़ा और। रिपा बहन, पल्लवी बहन आप ऑन कर लो, उसके ओम बाद शांति जी भैया, बहन जी। धारणा स्वरूप आप कितने बने हो इस पे 10 मार्क्स रहते हैं। हाँ देखो कितनी अच्छी बात। अगर कोई ये सोचता है कि टीवी में नाम आ जाए, वो आ जाए, खूब सेवा कर रहा है, लेकिन उसके पीछे विचार कुछ और है, नाम मान श्याम, तो बाबा कहते हैं उसका एक नंबर। और जो भले ज्ञान भी नहीं सुना रहा, स्टेज पर मंच पर उसको चांस नहीं मिलता, अखबार में तो फोटो आनी बहुत दूर है, लेकिन वो प्रैक्टिकल एक एक बात जो बाबा रोज कहते हैं उनको धारण करके रखता है। बाबा ने कहा जैसे सबसे मुख्य है प्योरिटी, अगर प्योर बन गया, बिल्कुल प्योर आत्मा मन वचन कर्म से, तो उसका चेहरा बोलता है, उसके चेहरे से बाबा दिखाई देता है, मतलब सबको लगता है कि ये ना भगवान की विशेष रचना है, सबको ऐसा लगता है, सब उसको देख के खुश होते हैं, तो वो सेवा हुई ना। तो ऐसे प्रैक्टिकल धारणा वाले के बाबा ने कहा सीधा 10 नंबर है। तो इसलिए कभी ये मत सोचना, यहां भी कहीं जैसे सोचते हैं ना कि मेरे को कभी भी पूछते नहीं, मेरा नंबर कभी नहीं आया, मेरे से प्रश्न नहीं पूछते, कोई बात नहीं, नहीं पूछा, आपको जवाब आता था, आपसे नहीं पूछा गया क्योंकि हमारा ध्यान नहीं गया। जूम पे आप देखते हैं कभी कोई फ्रंट में आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, इसलिए पीछे तक कई बार नहीं जाते। तो कभी मायूस नहीं होना, बाबा के पास आपकी पॉइंट पहुंच गई, आपको जो याद था आप उसको बस धारण करो, इसी में आपकी नंबर 1 सेवा है। सच्चा डायमंड बनना है ना, सच्चा डायमंड बनना है तो बाबा ने कहा इस सूक्ष्मता को समझो, जो कर्मों की गहनता है उसको समझो, और जो धर्मराज का हिसाब लिखने का जो तरीका है वो समझो। आज की मुरली उनके लिए है
जो विश्व महाराजन बनना चाहते हैं, जो प्रजा में आने वाले हैं, उनको आज की मुरली इतनी समझ नहीं आई होगी, उनको मुरली आज बड़ी लंबी लगी होगी, और जो बहुत ऊंचा पद पाने वाले हैं वो आज मुरली को दोबारा भी सुने। अब देख लेना कौन है विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं, वो दोबारा से सुनेंगे कि आखिर बाबा एक एक बात पर कैसे ध्यान खिंचवा रहे थे, नंबर कहाँ कट होता है, कहाँ नंबर जमा होते हैं। और जिनको उच्च पद पाना है वो तो कदम कदम पर सोचते हैं कि नंबर जमा हो। आप सोचो जो बच्चा 100 में से 99% लेना लेने वाला होता है तो क्या सोचता है कि एक प्रश्न भी ना छूटे, ये बात नहीं देखता, वो ये देखता है कि प्रश्न तो सारे कर लिए, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। तो हमें भी बस यही जांच करना है कि बातें तो सारी सुन ली, एक एक बात सुन ली ज्ञान की, लेकिन जो बाबा ने प्रैक्टिकल कहा था धारणा के लिए, धारणा कहाँ तक की है, धारणा नहीं की, सिर्फ सुना, सुना भी दिया, कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत एक दो नंबर मिल गए, तो ऐसा नहीं बनना। कैसा बनना है, हर बात में 100 नंबर, जो बाबा ने कहा उसको पूरा कर लिया मतलब 100 नंबर। कई विषय है ना, मुख्य तो 4 विषय, ज्ञान योग धारणा सेव, लेकिन उन एक एक सब्जेक्ट में भी, जैसे बीए तक जाते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन जब एमए करते हैं तो उसमें एक ही सब्जेक्ट पर मास्टर डिग्री मिलती है, लेकिन उस एक सब्जेक्ट में भी अलग अलग विषय होते, अलग अलग पेपर होते हैं। इसलिए मुख्य धारणा, केवल सुनने सुनाने से कुछ नहीं होगा, थोड़े बहुत नंबर आ जाएंगे, प्रजा में पहुंच जाएंगे, लेकिन जो बाबा रोज सुनाते हैं ना वो हमारे जीवन में कितना है। आज बाबा ने ये भी कहा, गोरों को देखते हैं ना तो अपने को देखने की आंख बंद हो जाती, अपने को देखने का टाइम ही नहीं मिलता, खुद को देखो ना, भाई बहनों को देखते हैं, दीदियों को देखते हैं, छोड़ दो मैं क्या हूं, अपने आप को तो थोड़ा सा भी किया ना अपनी तो पूरी वाह वाह कर लेंगे, अरे हम तो उससे अच्छे, उससे अच्छे नहीं, बहुत कुछ करना। चलो जी ठीक है, बहुत अच्छा, सभी ने बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छी मुरली थी, फिर से जरूर सुनना दिन में, पढ़ना भी, सुन तो लिया अब तो पढ़ना दिन। ओम शांति, चलो बाबा को याद करते।